गाइज आज के इस वीडियो में देखेंगे कैसे हम मल्टीपल फाइल्स को सिलेक्ट करके ड्रैग एंड ड्रॉप करके सर्वर पे अपलोड कर सकते हैं एंड अपलोडेड फाइल्स को कैसे हम एक टेबल फॉर्मेट में एक लिस्ट फॉर्मेट में डिस्प्ले करा सकते हैं एंड देन उन फाइल्स को हम वन क्लिक में कॉपी वन क्लिक में डाउनलोड एज वेल एज वन क्लिक में डिलीट भी करेंगे एंड फॉर द पर्पज ऑफ द डेमो आप यहाँ पे देख सकते हो मेरे पास कुछ फाइल्स है पी डी एफ फाइल है मल्टी मीडिया है टेक्स्ट है इमेज है एक्सेल uh, शीट है uh, एक जिप फाइल है एज वेल एज एक डॉक्यूमेंट फाइल है सो दिज आर फाइल्स दैट वी हैंडल ऑन डेली बेसिस तो मैं इन फाइल्स को जो है सिलेक्ट करूंगा सिलेक्ट करके ये जो यहाँ पे बॉक्स है इसमें मैं ड्रॉप कर दूंगा एंड द फाइल्स वुड गेट अपलोडेड एंड फाइल्स जो है मुझे यहाँ पे डिस्प्ले होने लगेगा ठीक है तो यहाँ पे मैंने इसे ड्रॉप कर दिया एंड अब आप यहाँ पे देख सकते हो सेवन फाइल्स फाउंड uh, यहाँ पे सिस्टम मुझे दिखा रहा है नाव वट वी कैन डू इट लाइक वी कैन कॉपी दी लिंक ऑफ द फाइल ये जो डेटा डॉट जेप है इसको अगर मैं यहाँ पे वन क्लिक में मैं कॉपी कर लेता हूँ एंड उसके बाद अगर मुझे ये किसी को शेयर करना है आई कैन जस्ट पेस्ट दिंक एंड ये फाइल जो है ये लोगों के साथ शेयर हो जाएगा राइट right? इसके अलावा ये जो फाइल है इसे अगर मुझे डाउनलोड करना है आई कैन क्लिक एंड डाउनलोड ये जो एक्सेल शीट है इसे डाउनलोड कर लेते हैं तो आप देख सकते हो ये एक्सेल शीट यहाँ पे वन क्लिक में डाउनलोड हो गया बाकी ये इंपॉर्टेंट नोट्स जो है अगर मुझे ये डिलीट करना है तो मैं यहाँ पर कैंसिल करूँगा तो डिलीट नहीं होगा एंड अगर मैं कन्फर्म करता हूँ तो ये डिलीट हो जाएगा देख सकते हो सात फाइल था अभी दिखा रहा है सिक्स फाइल्स फाउंड ठीक है इसके अलावा यहाँ पे एक और चीज़ है कि अगर आप सेम नाम का फाइल अगर दोबारा अपलोड करते हैं तो फाइल अपलोड हो जाएगा लेकिन उसका नाम जो है थोड़ा सा चेंज हो जाएगा मतलब अंडर स्कोर वन अंडर स्कोर टू इस हिसाब से ये चेंज हो जाएगा ठीक है मैं आपको करके दिखाता हूँ सारे फाइल्स को एक बार सिलेक्ट कर लेते हैं करके यहाँ पर मैं यहाँ पे इसको ये कर देता हूँ ड्रॉप कर देता हूँ ठीक है तो यहाँ पे आप देख सकते हो एग्रीमेंट ड्राफ्ट डॉट डी ओ सी एक्स पहले फाइल था दोबारा हमने अपलोड किया सेम फाइल तो अब ये फ़ाइल का नाम जो नया फाइल है उसमें अंडर स्कोर वन डॉट डी ओ सी एक्स हो गया ठीक है सिमिलरली ये जो फाइनेंशियल एनालिसिस डॉट एक्सएलएसएक्स था इसको हमने दोबारा अपलोड किया तो इस फाइल के साथ अंडर स्कोर वन डॉट एक्सएल एस एक्स सेव हो गया ठीक है इसके अलावा जो फाइल नेम्स है इसे आप ऐसे या अल्फाबेटिकली या सॉर्ट कर सकते हो साइज़ के हिसाब से जो है सॉर्ट कर सकते हो लार्ज टू स्मॉल एंड स्मॉल टू लार्ज कर सकते हो अपलोड का जो टाइम है उसके हिसाब से आप इसे सॉर्ट कर सकते हो है ना तो आ, ये सारे फीचर्स एंड फंक्शनैलिटीज इसमें है बाकी आ, ये जो सॉफ्टवेयर है इसका सोर्स कोड आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे डाउनलोड लिंक मिल जाएगा यू कैन क्लिक ऑन दैट लिंक एंड यू कैन डाउनलोड द सोर्स कोड बाकी आ, वीडियो से रिलेटेड अगर आपका कोई फीडबैक है प्लीज़ ड्रॉप इट इन द कमेंट सेक्शन मैं हर एक कमेंट पढ़ता हूँ सबको रिप्लाई करता हूँ अल रिप्लाई यू एज वेल एंड अगर अच्छा लगा गाइज द वीडियो प्लीज़ गिव इट अ लाइक अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब एंड या दैट वी वेल फॉर दिस वीडियो अल सी यू इन द नेक्स्ट वन सो तब तक स्टे सेफ टेक केयर बाय बाय